जाकी मल्टी शामे जिल मिल राते फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हमने अपनी लास्ट एपिसोड में ट्रैवलिंग यानी सफ़र की अहमियत के बारे में बात की थी। हमारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, ज़हनी सुकून, मोहनजोई, अपने आप को पहचानने के लिए सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ात की। पाकिस्तान में ऐसे कई मकाम हैं जो अगर हमारी सियासी, समाजी और माशी हालात बेहतर हुए तो पूरी दुनिया के सयाह पाकिस्तान के इन मकामात पे ज़रूर आएंगे। जब हम पहाड़ी चोटियों की बात करते हैं, जो हाईएस्ट मैन मेड पॉइंट है खुंजराब पास, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मिलता है वहाँ पे, दैट इज़ द हाईएस्ट मैन मेड पॉइंट ऑन अर्थ। ये सब हमारे मुल्क में चीज़ें मौजूद हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। शो के शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है और गिलगित बल्तिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है। यहाँ पे शराय ख्वानदगी जो है वो 75% है, जिसका मतलब है कि अगर आपने कभी ये डिसाइड किया कि आप अप नॉर्थ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ना सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि तहजीब याफ्ता लोग भी ज़रूर मिलेंगे। हम बात करते रहेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। यू स्टार्टिंग द शो नाउ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हम हमेशा अपने एपिसोड के अंदर एक गेस्ट का इंटरव्यू करते हैं। उनकी जो पहचान होती है वो उनके काम की वजह से होती है। बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनकी वजह से हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। लेट्स सी हु वी आर टॉकिंग टू टुडे। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हमेशा की तरह आज हम जिन गेस्ट से बात करेंगे, हम उन्हें उनके काम की वजह से जानते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो लोग कैमरे के सामने इतना नज़र नहीं आते लेकिन हम उनका काम अक्सर देखते रहते हैं, हम उन्हें सोशल डायरीज में अपने साथ बिठा के उनसे बात करें। आज हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, उनका काम आप बड़े अरसे से देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ज्वेलर्स अली जवेरी और उनकी बेटी हिरा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, how are you? Good, how are you? Hira? I'm great, how are you? Good. Thank you so much for giving us time finally. और आप हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप कैमरे पे इतना नज़र नहीं आना चाहते हैं, but we're really happy that you decided to talk to us today. Thank you for taking our interview. Hira, थोड़ा सा nervousness कभी होती है कि बाबा के साथ बैठ के काम के बारे में बात करना, या ये सोचना कि अब ये जो हैं पूरे बिजनेस को ओवरलुक नहीं कर रहे हैं, बट यू आर द वन हुज टेकिंग, हुज इन चार्ज, हुज एक्चुअली द बॉस। यू नो, यू वुड थिंक दैट आई वुड फील नर्वस हैविंग दीज कन्वर्सेशंस विद हिम, बट इट्स एक्चुअली सच अ ब्लेसिंग टू हैव हिम देयर। यू नो, व्हेनेवर आई हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई गो टू हिम, इट फील्स लाइक ही इज डेल्ट विद दैट प्रॉब्लम नॉट वंस बट numerous times, so it's amazing to get his input, and I feel he always makes me feel better. He'll always laugh, you know, when I tell him a problem, he'll just laugh at me, which is nice because it makes me feel like it's not such a big deal, you know. इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, हर चीज को हम हल कर सकते हैं अगर एक साथ बैठ के बात करें। And I feel he also laughs because he doesn't have, like, it's not his problem anymore, you know. So yeah.
अच्छा मुझे ये बताएं अजी, दो डेकेड्स हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं अगर मैं सही कह रही हूँ, 20 साल हो गए हैं अली जवेरी ज्वेलर्स को हम देख रहे हैं, काम देख रहे हैं. ट्रेडिशनल ज्वेलरी में अगर सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान में तो वो आपका आता है. मैं आपको ये बताती चलूँ कि हिरा जो हैं, हिरा और शहरबानो जो हैं, वो अब बिजनेस साइड को लुक आफ्टर कर रही हैं और अली जो हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं. सो हाउ डिड दैट हैपन? आई स्टार्टेड इन 1988 एंड इट्स ऑलमोस्ट 30 इयर्स. सो you know, non-stop working. Now they finished their studies, and then I, in fact, forced them to come in jewelry business. And but they started. They said that we'll do it for only 3 months, and we'll see if we'll be comfortable. Then we'll continue. So finally, when they started, they enjoyed, and now they have taken over, and now. I'm enjoying my artwork because I like to do painting, sculptures. So I didn't get मुझे कोई time नहीं मिलता था, तो अब I'm thoroughly enjoying my artwork. अच्छा, तो हिरा अब आपने और शहरबानो ने completely business side को take over कर दिया. Yes. और मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि just the business side or the design side as well? Okay, so I actually studied design at Parsons, and so I have a degree in design. I have the basics of design, but I never studied jewelry design. So of course that was challenging, but both Sherbano and I design the jewelry. We also take care of the business side. So we're doing everything at this point, and we're just juggling. We've just divided all the tasks up between the two of us. And so she, Sherbano designs more of the bridal kundan jewelry, and I am designing more of the contemporary and the diamond jewelry. मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि हमारे जो रिवायती जेवरात हैं वो कुंदन पोलकी एक ख़ास मखसूस किस्म का डिज़ाइन होता है हमेशा जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. फिर अब दुनिया के साथ भी चलना होता है तो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन भी बहुत ज़रूरी होते हैं. सो आई गैदर कि आप दोनों एक एक एंगल कवर कर रहे हैं. या एंड द पॉइंट वॉज ऑल्सो द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कंटेम्प्रेरी लाइन हैड अ लॉट टू डू विद टारगेटिंग द यंगर जनरेशन. Because you see, with my father, I have so many women who come to our store to this date, or wherever I go, I find so many women who come up to me and they'll say that your father designed our jewelry for our wedding. You know, so we have a lot of old, like an older clientele almost, but we didn't really have this younger clientele, people who are more my age and Sherbano's age. So recently, I think it's been a month that we've launched our new collection, which is our new contemporary collection. And so now we're working towards that too. So in this way, we can target all kinds of women. बताएं कि एक ख़ास किस्म का एतमाद चाहिए होता है अपने बच्चों पे कि अगर हमने एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है तो अब हमारे बच्चे जो हैं उसको आगे कहाँ पे लेके जाएंगे. तो ये एतमाद घर से आता है, तबीयत से? See, I tell you why, because my great grandfather was in jewelry, then my grandfather, then father, then me, and obviously my children will come in this thing. And see, in the house, when they see discussing about jewelry, so automatically you get lots of ideas. So I think that's how they have this thing in them. And I didn't do any course in any kind of art or jewelry, or you get what I'm saying, but it comes naturally. That's the thing. Just because it's been around for so long in our family, you know, we've been seeing our grandfather and then him, and even you would see Dada, and that's how you also learned a lot of your
extra skills. अच्छा तो मुझे अब ये बताएं रिटायरमेंट की जिंदगी अच्छी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है. In fact, you know, art is like my passion. So I unwind myself, and I collect art also. So it's like my children. All the pieces are like my children, and I take care of them and I enjoy them thoroughly. When I come home, when I used to work, when I used to come home, so I used to sit and see the same painting again and again, and I see something new in it. I don't know how. So that's, I don't know what you call that, but ठीक है, होता है ऐसा. I feel that's called an innate love for all aesthetically pleasing artwork. True. हम कोशिश ये करेंगे कि इंटरव्यू के बीच में आपको थोड़ा ज्वेलरी हम अली जवेरी की देख चुके हैं. हम कोशिश ये करेंगे कि इन्होंने जो स्कल्पचर्स बनाए हैं या जो पेंटिंग की है, हम आपको उसके भी थोड़े से क्लिप्स दिखाएं. हेरा, हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इज ट्रेनिंग? अब मैंने इनसे ये सवाल तो पूछा जो इन्होंने बोला कि एक इनेट चाह थी, एक चाहत थी आर्ट की तरफ, जिसकी वजह से ये उधर गए. मुझे आप ये बताएं, बिकॉज यू बीन टू अ डिज़ाइन स्कूल, हाउ इम्पॉर्टेंट इट is it to go to school to learn the technical angle of things? You know, I think that it's very important because there's a lot of things that you learn in design school that you don't take into consideration. A normal person or an ordinary person wouldn't take that into consideration. But I think that the most valuable thing that I've learned at art school is that nothing can be perfect, you know, but you have to keep trying. You have to keep trying and trying until you can achieve that perfection or be closer to that perfection. So I find that especially at work, working with Sherbano, we're very different because I've studied design and she hasn't. So we always have these arguments where I am, you know, really, I want something my way because it's just the way I've been brought up for those past 4 years at school, you know. Pakistan ke andar aksar log ye kehte hain ki talent bahut hai, hunar bahut hai, lekin jo ek professionalism aata hai ki kaam ke upar waqt pe pahunchna ya karigaron se deal karna, ek alag art form hai. Logo ko jama karke unse kaam karana bada mushkil hota hai. Workers se deal karna bahut hi difficult kaam hai, magar ye log lucky hai ki wo sab, you know, second third generation hai, to ek mental level mila hua hai. I just find that in Pakistan things are not either delivered, like there's a huge problem with having things done on time, yes, you know. And I just feel like there's always the right time to do something, and it's just I never find that in Pakistan. Ali, mujhe bataye jis tarah Hira keh rahi hai ki waqt ki pabandi karna ya ek कमिटमेंट जो काम की होती है वक्त पे डिलीवर करना, आपके ख्याल में कि आपके वक्त में जब आप काम कर रहे थे, क्योंकि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान थोड़ा सा पेशेंस भी सीखता है, थोड़ा सा आइडिया ये हो जाता है कि हमारे आसपास लोग काम कैसे करते हैं, आपके ख्याल में इसके इन लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा या हमारे लोग इनकी वजह से जल्दी सीखेंगे? जो आप क्वेश्चन कर रहे वर्कर्स, टाइम पे कभी भी कोई चीज़ नहीं देते हैं, बट अगेन जब हम अपने क्लाइंट्स को आगे टाइम देते तो वो हम एक बीच में गैप रख के देते हैं पर्पसली. तो उस वजह से मैं भी यही फेस करता था, ये लोग भी ये फेस करते हैं, बट एंड लकीली ये लोग अभी वो ट्रेंड हो चुके हैं, वो पेशेंस आ गया है इन लोगों में जो यूजली इस एज में नहीं होता है लोगों को, बच्चों को जो है, बट दे आर माशाल्लाह वेल ट्रेंड. और ये सब चीज़ें फेस तो करते ही रहते, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई कोई चीज़ अगर डिले कर रहा है तो फिर मेरा एक फ़ोन कॉल या यू नो इस तरह से, बट दे आर क्वाइट यूज्ड टू नाउ. But you know, Sherbano always says, she always tells me, because I've always had such a problem with this, she always tells me that you just have to adapt to wherever you're living. So I feel like the two of us have adapted, and now, you know, it's not a problem, we work around it. Ali, thank you so much. Thank you so much, Ayesha. Thank you so much for having us. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, स्टे ट्यून्ड.
Kareena. Social Diary. Shahar ka rangarang aaina. Social Diary. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़, मैं हूँ आयशा तूर। हम आपको लेकर जा रहे हैं मार्सेल रेस्टोरेंट और बेकरी के लॉन्च पे। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन कराची राइट नाउ टू गो टू। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट फैबुलस चॉकलेट केक। स्टे ट्यून्ड एंड टेक अ लुक। यहाँ मार्सेल्स के रेस्टोरेंट की लॉन्च पे हूँ, जो कि एक फ्रेंच पटिसरी है और फ्यूजन फूड है, और आज इसकी ओपनिंग है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि अच्छे रेस्टोरेंट्स की हमेशा इंसान को एंटिसिपेशन रहती है और ये बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। ये हमने जगह खोली है अभी बोट बेसिन पे यहाँ पे, और इसका जो मकसद है वो यही है कि अच्छा खाना मिले लोगों को, अच्छी ब्रेड्स मिले हर रोज़ रोज़मर्रा के लिए, तो इसलिए हमने ये खोला है। अभी ये हमारा पहला वेंचर है, इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके छोटी छोटी बेकरियाँ खोलेंगे जहाँ पे हर रोज़ आपको फ्रेश डबल रोटी मिलेगी, फ्रेश क्रोसॉन मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है हमारी ब्रेड्स की और केक्स की, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। Welcome you all to the launch party of it, and I just want to say ki aap log yahan aaye aur aake khud hi dekhe ki something like this has opened up in Karachi, which is very new and unique, and our pastry speaks for it all. Thank you. Today I'm here at the opening of Marshalls, and I wish them the best, and soon they'll be seeing me their permanent customer. We are here at Marshalls. It's a new shop open and it looks lovely and yummy, beautiful colors, scones, and I hope bahut flourish kare and yummy stuff, and everybody should come over and enjoy the food. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के बारे में, पहाड़ी चोटियाँ, झील, ग्लेशियर्स, तारीख, कल्चर, और अगर आप कुदरती खूबसूरती देखना चाहते हैं तो स्कर्दू और हंजा जाना बहुत ज़रूरी है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन आर फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान, जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटियाँ एक केटू और नंगा पर्वत, वो भी यहाँ पे पाया जाता है।
जब हमारे अपने मुल्क में इतनी खूबसूरती है तो हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम पहले अपने मुल्क को जानें और फिर बाहर जाकर ट्रैवल करें. आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, इफ़ यू वांट टू गो टू स्विट्ज़रलैंड, इफ़ यू वांट टू गो टू कोलंबिया, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो, बट डू चेक आउट पाकिस्तान्स नेचुरल ब्यूटी एज वेल. हम देख रहे हैं कि हमारा अगला सेगमेंट क्या है. आप कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड. आज जो इवेंट है वो मिलेनियम अवार्ड्स का है, जिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है, जैसे मुसर्रत मिसबा ने किया है, एक बच्ची है नेहा उसने किया है. आई रियली विश देम द बेस्ट एंड थैंक यू, कीप ऑलवेज प्रमोटिंग लेडीज फंड तारा उसरा दाउज इवेंट्स. थैंक यू. The Ladies Fund event. This is an amazing platform जो तारा दाऊद गाहे बगाहे लोगों को प्रोवाइड करती रहती हैं. आज का इवेंट जो है इट्स अबाउट अ न्यू जनरेशन एंड हाउ लकी दे आर. एंड ऑफ कोर्स व्हेन दे कॉल पीपल लाइक अस, वी वुड लाइक टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज दैट वी फेस्ड, एंड टू लेट देम नो दैट हाउ लकी दीज गर्ल्स आर कि उनको ये कोई मसले और मसाइल होते नहीं हैं. सोशल डायरीज़ में हमारा मकसद ये है कि कराची शहर के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स, वो हम सब कवर करके आप तक पहुँचाएँ. लेट्स सी व्हाट वी हैव टू ऑफर यू नाउ, स्टे ट्यून्ड. आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा सबसे यंग परफॉर्मर तकरीबन 16 साल का है और सीनियर तरीन आर्टिस्ट जो हैं वो कोई 70 साल की उम्र के होंगे. तो दिखाने का ये मतलब है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, कितना तनवो है, और वो उसको शोकेस करने की और प्रिजर्व करने की कितनी ज़रूरत है. ये फेस्टिवल जो हो रहा है, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए और तहजीब फाउंडेशन करते भी रहते हैं, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इसमें याद किया. क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से इस तहजीब फाउंडेशन काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, और अभी मैं एहसन अली एक नौजवान हैं वो परफॉर्म कर रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त. फरहान रईस खान ने परफॉर्म किया और रईस खान साहब के ऊपर किताब भी रिलीज़ हुई है, मेरी भी परफॉर्मेंस है इसकी क्लोजिंग पे. ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है तहजीब फेस्टिवल जो है, और तहजीब फाउंडेशन काफ़ी अरसे से ही कर रहा है, और मेरे ख्याल से लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक को फ़रोग देना चाहिए और अब देखना भी चाहिए, लोगों को आवाम को भी देखने आना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने कल्चर का म्यूज़िक है. आज मैं आर्ट्स काउंसिल में आई हूँ, 9th तहजीब फाउंडेशन की तरफ से उनके अवार्ड्स सेरेमनी का प्रोग्राम है. दे आर किकिंग ऑफ विद सितार इवेंट टुडे विच इज़ ब्यूटिफुल. हमने दो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज देखी हैं, इंतहाई खूबसूरती से उन्होंने उन दोनों बच्चों को जो अपकमिंग हमारे हैं परफॉर्म किया है.
We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका एक नजरिया ख्याल है, आप कुछ कहना चाहते हैं, शिकायत भी हो शायद, तो आप हमारे वेब पेजेस पे जाकर सोशल डायरीज पे के बारे में ज़रूर लिखें. कोशिश ये करें कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो ताकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले. हम आपसे मिलते हैं अगली दफ़ा इसी वक्त इसी चैनल पे और इसी दिन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. खुदा हाफिज़. जगमग शामे चिल मिल राते फैशन और स्टाइल की बाते. शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी.